हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे, उम्मीद है मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मेरी राइट डिनर की रूटीन है दाल चावल। ठीक है, मैंने कहा क्या पकाऊँ, तो मैंने कहा चलो दाल चावल ही पका लेते हैं। तो आपको पता है कि रोज़ इतनी दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पकाएं क्या पकाएं। दाल चावल सबके फेवरेट भी हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं, और इतनी झटपट इतनी जल्दी बन जाते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो दाल चावल फीके तो नहीं अच्छे लगेंगे ना, तो थोड़ी हरी मिर्चें भी होनी चाहिए। तो अब बाहर से जाओ पकौड़े लेकर आओ, तो मैं घर में इतने अच्छे पकाती हूँ तो मुझे बाहर की नींद नहीं होती। तो इसलिए अब ये मैं पतली वाली हरी मिर्च बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़े से पकोड़े भी बनाए जाएँ। तो अब ये मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो क्योंकि दाल चावल आपको पता है दाल भी फीकी होती है चावल भी फीके होते हैं, तो इनके साथ पकोड़े बनाना तो लाजमी। हरी मिर्च के पकोड़े बन गए, तो अब मैंने कहा कि आलू के पकोड़े भी होने चाहिए, क्योंकि फिर मैंने एक ही आलू था तो मैंने एक आलू को काट के फिर मैंने कहा चलो ठीक है बेसन बचा है तो वेस्ट नहीं करूँगी, तो उसके मैंने फिर आलू के पकोड़े बना लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो दाल चावल तो आपको पता है, मैंने आपको फिर कह रही हूँ कि यहाँ पर मेरे दाल चावल भी रेडी हो गए, मेरे आलू